सीरियल में मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो में शादी का मौसम लौट कर आने वाला है। जिया के दिमाग में दूसरी शादी का ख्याल जो आया है, वेल कौन है वो जिसकी दूसरी शादी करवाना चाहती हैं जिया, चलिए इस रिपोर्ट में देखते हैं। सीरियल में मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो में आज अजब गजब नजारा देखने को मिल रहा है। जी हाँ, शो में आ गया है शादी वाला ट्विस्ट। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर भी अगर नहीं समझे तो हम आपको बता देते हैं कि जया और समर मिलकर सत्या देवी और विकी की शादी की प्लानिंग कर रहे हैं। आप खुद ही देखिए विकी सत्या देवी की कितनी केयर करते हैं, हर पल हर वक्त वो सत्या देवी का साथ दे रहे हैं। ये लीजिए सत्या जी। अरे ये तकलीफ क्यों की आपने, मैं बाहर आके खा लेती थी। अरे सत्या जी इसमें क्या तकलीफ है, मुझे तो खुशी हो रही है आपकी सेवा करने में। हर समय आपकी सेवा ही कर सकता हूँ। एक काम कीजिए, मेरा फोन नंबर सेव कर दीजिए, कोई भी काम मुझे फोन कर दीजिएगा। आज सत्या देवी और विकी के बीच हो रही सारी बातें समर और जया भी छुप छुप कर सुन रहे हैं और हो रहे हैं मन ही मन खुश। इतना ही नहीं, जया तो अपनी माँ सत्या देवी से उनकी शादी करवाने की बात भी कहने के लिए चली जाती है। लेकिन ये क्या, शादी की बात सुनकर सत्या देवी तो गुस्से से तमतमा उठी। जया के बाद सत्या देवी विकी की भी क्लास लगा देती है। वकील साहिबा विकी को जमकर खरी खोटी सुना देती हैं। आज ही मेरी शादी की बात कर रहे हैं, कल को तो आपकी शादी की बात करेंगे। अब इस उम्र में आप दूल्हे बनते अच्छे लगेंगे क्या, शेरवानी पहन करके घोड़े पर चढ़ते भी अच्छे लगेंगे। घोड़े से अगर गिर गए तो हड्डियां टूट जाएगी, समाना हंसेगा। अरे हम भी हंसेंगे, आपकी शादी होगी ना तो आप घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे और अगर मेरी शादी होगी तो मैं घर से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। अरे तुम बच्चे लोग, अरे तुम इस की फैमिली प्लानिंग के बारे में क्यों सोच रहे हो, अपनी फैमिली की प्लानिंग के बारे में सोचो। Well, सत्या देवी ने तो ठान लिया है कि वो किसी भी कीमत पर शादी नहीं करेंगी, चाहे फिर विक्की का दिल टूटे या फिर उनके बच्चे उनसे रूठे। ऐसे में क्या होता है जया और समर का अगला कदम, ये जानने का इंतजार तो हमें भी रहेगा। मुंबई से जारा खान की रिपोर्ट, E24।